पुलिस की टीम है महाराजगंज थाने की और साथ में जो हमारा स्वाट का जो टीम है 10 लोगों का, तो इनकी लोकल मुखबिरी और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस उनकी मदद से एक बहुत अच्छा वर्क इन्होंने वर्क किया है, जिसमें कि 15 लाख की लूट करने वाले थे ये 3 लड़के मिलकर। इनके पास से अच्छी रिकवरी भी हुई है, 3 तमंचे बरामद हुए हैं, कुछ फोन और बाइक बरामद हुई है। तो इन्होंने जो उसमें एक लड़का है वो जो व्यापारी है, जो टिम्बर के व्यापारी है, उनके साथ ही काम करता था और उसको जो हर दिन का, जैसे उसका ये कहना है कि हर दिन 2 से 2.5 लाख रुपए कैश का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी कैलकुलेशन ये थी कि एक दिन किसी पर्टिकुलर डे में 14 से 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, तो उसके लूट के प्रयास में थे ये लोग। तो बहुत अच्छा काम करते हुए टीम में इनाम दिया गया, जो व्यापारी है उन्होंने अपनी तरफ से इनको 41,000 रुपये का इनाम दिया है और मेरी तरफ से इनको 10,000 रुपये, तो 51,000 रुपये इन्हें इनाम दिया है। क्या पहले मैम ये लोग घटना कर चुके हैं कहीं? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल जा चुके हैं कई मुकदमों में। मनीष और नारेंद्र पे पहले 3 से 4 मुकदमे लिखे हुए हैं और इस पर अभी 2 मुकदमे। 41,000 ये नगद था? क्या था? नगद। ये क्यों दिया? क्यों दिया? अरे घटना होने से पहले हमको सूचना मिल गई और सारे सबूत के साथ वो है, और इससे ज़्यादा पुलिस के लिए क्या, और हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या बात होगा कि हमारा आदमी ऐसे ही अगर जाता है उसको गोली मार देते।